और उनसे हम इसी 2019 के चुनाव पे कुछ सवाल करने जा रहे हैं। और सर, आप लोगों के ये जो चुनाव का गतिविधि कैसा चल रहा है 32 क्षेत्र में, इस विषय में जानकारी दीजिएगा। और इस विषय में आप लोग को जानकारी है कि हमारा जो 32 सीट है, 32 सीट में हमारा कैंडिडेट लोग लग रहे हैं और उसके साथ हमारे एमपी का भी सीट का चुनाव लग रहा है। तो अभी चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, रफ्तार अच्छा ले रहा है। और जब हम लोग राजनीति की बात करते हो या प्रजातंत्र की बात करते हो, एक बार होते हैं राजनीति, तो जिसका नीति अच्छा है, जो राज कर सकते हैं, उन नीति को जनता ने वोट देती है, ऐसे प्रजातंत्र में। और एसडीएफ पार्टी का जो है हमारा स्ट्रेंथ बोलो या हमारा जो शक्ति है, तो हमारा अच्छा अति अनुभवी और दूरदर्शी नेता श्री पवन चामलिंग साहब है। दूसरा बात क्या है, एसडीएफ पार्टी का जो नीति सिद्धांत कार्यक्रम सिक्किम और सिक्किम में जनता का हित के लिए, तो इस विषय में आप लोग यही बोलना चाहता है, हमारा अपना घोषणा पत्र भी घोषित किया है और ये सभी हमारा जो कार्यक्रम लेकर हमारा उम्मीदवार लोग गांव में जा रहा है, तो हम लोग का ये सोचता हूँ हम 32 में 32 आ जाएंगे इस बार भी 6 टाइम। और अभी जो रफ्तार है, रणनीति हमारा चल रहा है, अभी और भी कोई दिन है, लेकिन अभी जो हम लोग देखते हैं इतना वो स्ट्रांग ऑपोजिशन हम लोग नहीं देख रहे। जिस प्रकार की चुनौती 2014 के चुनाव में था और अभी कैसा चुनौती लग रहा है आप लोगों की 2019 का चुनाव में? 2014 और जब अभी का जो 19 का चुनाव चल रहा है, इसमें दो तीन बात आते हैं। एक बार क्या है, जो 2014 में एक प्रकार का वो जो वेव आता है स्कीम के लिए, हमारा श्री पी एस गोले साहब का जब पार्टी है, जो उनका नेतृत्व में पार्टी चल रहा है, वन ऑफ द मेन ओपोनेंट जो है, इन लोग का जो एक वेव था, स्ट्रेंथ है, एक वेव आया था 2014 में, इस बार नहीं। एक बात ये, दूसरा बात क्या है हमारे लिए क्या दिखता है, जैसे बहुत लंबा हमारा सरकार चला है, तो एंटी इनकम्बेंसी से भी ज़्यादा हमारे लिए समस्या क्या है, हमारा जो बहुत काम हुआ है एसडीएफ सरकार में, बहुत काम हुआ है और प्रत्येक जनता का इच्छा आकांक्षा प्रशस्त मात्रा में वो काम हुआ है, इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ द वोटर्स ज़्यादा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और दूसरा बात क्या है, थर्ड फैक्टर क्या है, 19 में जो एसकेएम पार्टी, जो अभी वन ऑफ द मेन स्ट्रांग ओपोनेंट बोलो जाए, उनका क्या बात है कि इनका कैंडिडेट जो आपका प्रेसिडेंट, ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट, विच ही डिड नॉट कॉन्टेस्ट। अभी वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोल के डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन हमारा कानून के माध्यम या जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया हुआ है, वहाँ एक चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर कैंडिडेट भी हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारा इस बार एसडीएफ इज इन द अपर हैंड, बात यही। और आप लोगों का जो घोषणा पत्र का मेन मुद्दा जो है, उस विषय में भी जानकारी दीजिएगा आप। हमारा घोषणा पत्र तो बहुत प्रिसाइज, टू द पॉइंट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल है, ये जनहित में, जनमुखी और सिक्किममुखी ये बना हुआ है। इन शॉर्ट जो हमारा मुख्यमंत्री महोदय का जो अपना अपील है, जो इसमें है मैनिफेस्टो, इसमें मेन थीम है यूथ सेंट्रिक, सिक्किमिस सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें क्या बात है, हमारा ये जो एसडीएफ पार्टी एक क्रांति में चला हुआ है, रेवोल्यूशन में चली हुई एक पार्टी है, सो वी आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन। और अभी हमारा जो थीम है, मुख्यमंत्री हमारा जो अति आदरणीय नेता श्री पवन चामलिंग का अपना अपील या एड्रेस में दिया है, इसमें ये जो हमारा है प्रेसिडेंट्स अपील, जो सीएम साहब या श्री पवन चामलिंग साहब का जो अपील में है अध्यक्ष महोदय का, उनमें शॉर्ट में यही लिखा है, आई थिंक दिस वुड बी द मेन थीम, वी आर विथ यू, वी आर फॉर यू, वी आर फॉर सिक्किम। सो हमारा थीम यही, वी आर विथ यू, वी आर फॉर यू, वी आर फॉर सिक्किम। सो इन कंक्लूजन, अपना जो हमारा ये बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हमारा मैनिफेस्टो है, और हम अपील करना चाहते हैं जितना भी हमारा अति आदरणीय जनता, वोटर्स एंड विशेष हमारा ये युवा भाई बहनी, स्टूडेंट्स लोग हैं, ये हमारा घोषणा पत्र नेपाली में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इसको अच्छा से पढ़ के प्लीज़ सपोर्ट
the party of your choice, which is the HDF party. धन्यवाद। ऐसे ही चुनाव की गतिविधि को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 99.4 FM।